हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ये जो टॉपिक है वो हमारा फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में केमोथेरेपी ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने सल्फानोमाइड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन के बारे में, जो कि एक बी लैक्टम एंटीबायोटिक है। आइए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम देखते हैं, जो हमारा पेनिसिलिन है, इट इज अ बी लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बी लैक्टम एंटीबायोटिक हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है पेनिसिलिन का, उसमें जो है हमारा बी लैक्टम पाया जाता है, इसलिए हम इसको बी लैक्टम एंटीबायोटिक बोलते हैं। और जो इस पेनिसिलिन में हमारी एंटीबैक्टीरियल जितनी भी प्रॉपर्टीज आई है, वो किसके थ्रू आई है? हमारे बी लैक्टम एंटीबायोटिक की जितनी भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, उसी वही जो प्रॉपर्टीज है मैं पेनिसिलिन में आई है, क्योंकि जो हमारा बी लैक्टम एंटीबायोटिक है वो हमारा पेनिसिलिन के अंदर पाया जाता है उसके स्ट्रक्चर में। इसका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि ये कैसे काम करता है, सो इट सिंपली सिंथेसिस द सेल वॉल और इसका इफेक्ट है बैक्टीरियोसाइडल। जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि एक होता है हमारा बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट और एक होता है हमारा बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। जिसका बैक्टीरियोस्टेटिक, दैट मींस जो कि इनहिबिट करता है हमारी सेल वॉल को, और सॉरी इनहिबिट करता है हमारे बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोसाइडल है जो कि डिस्ट्रॉय करता है सारे बैक्टीरिया को जो भी प्रेजेंट है इन ह्यूमन बॉडी। सो अगर हम बात करते हैं पेनिसिलिन की कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे करता है काम, सो इट सिंपली सिंथेसिस द सेल वॉल। और इसका जो इफेक्ट है, अगर हम किसी भी इन्फेक्शन में पेनिसिलिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं एज अ ड्रग, सो इट इज किलिंग द बैक्टीरिया। ये इनहिबिट नहीं कर रहा है ग्रोथ, बट ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को किल कर रहा है। दैट बिलोंग्स फ्रॉम बी लैक्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन की जो भी एंटीबैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज उसमें प्रेजेंट है, इट इज ड्यू टू द बी लैक्टम, क्योंकि इन स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ बी लैक्टम। सो एज सी, इट वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा पेनिसिलिन है, ये हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर करा गया कौन से ईयर में, 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। लेकिन ये डिस्कवर जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया, लेकिन लेटर और ये जो है आइसोलेट हुआ है किसके द्वारा, फ्लोरी हार्वर्ड के द्वारा, जो कि 1941 में हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड दैट या फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ फंगस पेनिसिलिन नोटाटम, वहां पे प्रेजेंट है पेनिसिलिन का, लेकिन उसको जो आइसोलेट किया गया है वो किसके द्वारा हुआ है, हमारे फ्लोरी के द्वारा हुआ है ईयर 1941 में। अगर हम बात करते हैं जो हमारा सोर्स है पेनिसिलिन का क्या है, वो एक प्रकार का फंगस है जिसे हम लोग बोलते हैं पेनिसिलिन नोटाटम। तो जैसे जो इसका सोर्स है, जहाँ पे फर्स्ट जो हमारा पेनिसिलिन जो है आइसोलेट हुआ था, कौन से फंगस से, पेनिसिलिन नोटाटम के द्वारा। लेकिन जो है लेटर ऑन, जो अगर हम करंट यूज करते हैं सोर्स, वो कौन सा है, पेनिसिलिन क्रिस्कोजम। क्योंकि जो हमारा पेनिसिलिन क्रिस्कोजम है, जो कि अभी हमारा करंटली सोर्स है जिससे हम जो हमारा पेनिसिलिन है उसको ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इसका जो हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो 200 टाइम्स से ज्यादा क्या करता है, पेनिसिलिन को प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए हमारा करंट सोर्स है पेनिसिलिन क्रिस्कोजम। लेकिन जो फर्स्ट, जब पहली बार जो हमने आइसोलेट किया था पेनिसिलिन, वो किससे किया था, पेनिसिलिन नोटाटम के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है वो सिंपल है, हमारा पेनिसिलिन टू उसमें डिवाइडेड है, वन इज नेचुरल एंड वन इज सेमी सिंथेटिक। अब हम देखते हैं जो हमारा नेचुरल पेनिसिलिन है, इसमें आता है हमारा पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी, जो कि फंगस के द्वारा, हमारा सोर्स उसका जो फंगस है पेनिसिलिन क्रिस्कोजम, उसके द्वारा जो है ये ऑब्टेंड किया गया है पेनिसिलिन जी। लेकिन जो हमारा पेनिसिलिन जी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एज अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, क्योंकि जो इसका इफेक्ट है, जो इसका हाफ लाइफ है बहुत ज्यादा कम था, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको और ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बनाने के लिए हमने पेनिसिलिन जी के जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, सॉल्ट फॉर्मेशन का यूज करते हुए हमने लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स को बनाया। सबसे पहले था हमारा प्रोकेन पेनिसिलिन और अदर था हमारा बेंजीथिन पेनिसिलिन।
ये क्या थे, हमारे लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स थे जो कि हमें पेनिसिलिन जी यानी कि नेचुरल पेनिसिलिन से मिले। नेचुरल से हमें पेनिसिलिन जी मिला, बट इसको हम लोग शॉर्ट एक्टिंग ड्रग बोलते हैं। जैसे मैंने बताया जो इसका ड्यूरेशन है, हाफ लाइफ, वो बहुत कम था, तो हमने उसी के सॉल्ट फॉर्मेशन से दो ड्रग्स और ऑब्टेन करे जिसको हम बोलते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन एंड बेंजाथीन पेनिसिलिन। प्रोकेन पेनिसिलिन जो है उसका जो है वो प्रोड्यूस करता है CNS टॉक्सिसिटी, तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है दैट इट मे कॉज सीजर टू द पेशेंट। और बेंजाथीन जो है हमारा इसका एज सच कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, बट जो नॉर्मल होते हैं डायरिया एंड नॉशिया एंड वॉमिटिंग एंड इट कुड बी एन इरिटेंट टू द पेशेंट GIT। तो ये था हमारा नेचुरल पेनिसिलिन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सेमी सिंथेटिक है उसके ग्रुप के बारे में। सो अब हम बात करते हैं हमारे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन यानी कि जो नेचुरल सोर्स से तो ऑब्टेन गए हैं, लेकिन जो हमारा नेचुरल सोर्स था उसमें कुछ प्रकार की लिमिटेशंस थे, तो इसलिए हमें क्या है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन यानी इसमें कुछ जो केमिकल्स का उपयोग करके हमें सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाने पड़े, क्योंकि नेचुरल में कुछ लिमिटेशंस थे उसके ऊपर जाके वो काम नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाया। लेकिन अब हम देखेंगे वो कौन कौन से जो है लिमिटेशन थे जिसके द्वारा हमने जो है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया। तो सबसे पहले था एसिड सेंसिटिव, यानी जो हमारा सेमी सिंथेटिक है वो एसिड सेंसिटिव था। जैसे ही कि अगर हम कोई भी ड्रग जो है इसका एडमिनिस्टर करते थे ओरली, तो ड्यू टू इट्स एसिड सेंसिटिव जैसे ही वो हमारे GI में जाता था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था पुअर एब्जॉर्प्शन होता था और उसका जो एक्शन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन उस ड्रग का वो नहीं हो पाता था, इसलिए वो क्योंकि उसका जो था वो एसिड सेंसिटिव था। पहली जो हम लिमिटेशन बात करते हैं हमारे नेचुरल पेनिसिलिन में वो ये थी। सेकंड हम बात करते हैं एंजाइम पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्या करता था, जो हमारे स्ट्रक्चर पेनिसिलिन में बी लैक्टम प्रेजेंट है, तो बी लैक्टम की जो रिंग्स है जैसे मैंने बताया जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है जो कि हमें पेनिसिलिन को देता है, तो वो क्या करता था पेनिसिलिन नेज जो एंजाइम है वो एंटर करता था हमारे बी लैक्टम रिंग्स को और उसको ओपन कर देता था। जैसे ही जो बी लैक्टम रिंग्स हमारी ओपन होती थी दैट मीन्स वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी, जिसकी वजह से वो बी लैक्टम अपनी सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को लूज कर देता था। थर्ड हमने इसमें लिमिटेशंस अगर हम देखते हैं तो ये था एक नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि ये केवल या तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल के लिए ही अवेलेबल था। तो यहाँ पे ये था कि कुछ इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव के थे, कुछ नेगेटिव के थे, लेकिन जो पहला नेचुरल पेनिसिलिन था वो केवल वर्क करता था अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि वो नैरो स्पेक्ट्रम था। तो इन तीनों चीजों की लिमिटेशन थी, इसको ओवरकम करने के लिए हमने सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन बनाई, जिसमें हमने एसिड रेसिस्टेंस पेनिसिलिन बनाई जो कि पेनिसिलिन बी, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन थी, पेनिसिलिन नेज इनहिबिटर्स जो कि वो पेनिसिलिन एंजाइम को इनहिबिट कर सके कि जिसकी वजह से जो बी लैक्टम रिंग्स है वो ओपन ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो, और जो हमारी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है बी लैक्टम और पेनिसिलिन की वो जो है डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसके लिए हमने क्रोक्सिलिन, नेफ्सिलिन और मेथिसिलिन बनाया। उसके बाद हमने जो उसकी स्पेक्ट्रम एक्टिविटी थी बैक्टीरिया की उसको हमने नैरो की जगह ब्रॉड करा, जो कि बहुत काम कर से करे हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जिसमें हमने एमिनो पेनिसिलिन जिसमें हमारा एमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन आता है, कॉर्बोक्सी में जिसमें हमारा बैकम्पिसिलिन आता है और येरोडो, ये प्रकार की हमने वैक्सीन को बनाई। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं पेनिसिलिन के, तो इसके एडवर्स इफेक्ट ऐसे हो सकते हैं कि ये लोकल इरिटेंसी को कॉज कर सकता है, कि अगर हमने इसको ओरली लिया है तो इट में कॉज डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, अगर हमने इसे IV या IM के थ्रू दिया है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है हमें थ्रोम्बोफेलबाइटिस हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी वजह से जो है हमें बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। फिर हम देखते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में जो है स्किन रैशेज हो सकते हैं, स्कारलेट फीवर हो सकता है, शिवरिंग के साथ जो है फीवर हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूजेस हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इन केस ऑफ मेनिनजाइटिस, उसके बाद रूमेटिक फीवर, उसके बाद गोनोरिया,
इन सब चीजों में जो है हम पेनिसिलिन का यूज कर सकते हैं, और इसमें हम लोग टेटनेस की उसमें भी यूज कर सकते हैं, सिफाइलिस के केस में भी हम जो है यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ यूजेस ऑफ पेनिसिलिन। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी जो ड्रग्स है पेनिसिलिन के अंदर, नेचुरल में कौन से ड्रग्स आते हैं, सेमी सिंथेटिक में कौन से आते हैं, और उसकी डोजेस क्या है। तो अब हम देखते हैं मोस्ट कॉमनली ड्रग्स जो हम यूज करते हैं, पेनिसिलिन जी जो हम इसे देते हैं 0.5 मिलियन यूनिट पे, इसे हम आईवी और आईएम दे सकते हैं 6 to 12 RD पर। प्रोकिन पेनिसिलिन जी हम 0.5 to 1 मिलियन यूनिट देते हैं आईएम, इसे हम 12 to 24 आवर्स देते हैं। बेंजेथिन 0.6 to 2.4 मिलियन यूनिट आईएम देते हैं हम इसे एवरी 2 to 4 वीक। कॉमनली ड्रग्स हैं एम्पिसिलिन जो कि हम इसे ओरल भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, आईवी एवरी 6 आवर देते हैं 0.5 to 2 ग्राम। एमोक्सिसिलिन 0.25 to 1 देते हैं हम TDS, और ओरली भी दे सकते हैं, आईएम भी, और इसको हम स्लो आईवी पे रखते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था जहां पे हमने डोज रूट डिस्कस किया पेनिसिलिन के, कौन कौन से पेनिसिलिन होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसका सोर्स क्या है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।